कोई अगर कहता है कि टाटा नेक्सॉन और एसयूवी 300 में कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, तो मेरा ओपिनियन बैक कैमरा क्वालिटी इसकी सही है, गियर थोड़ा हार्ड लग रहा है ना। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि अगर किसी के पास 10 से 15 लाख रेंज है और वो नई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहा है, तो उसके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी ना लेनी। एसयूवी आजकल आ गई है मार्केट में जो कि इसी रेंज में है, जैसे अब हमारे सामने ये एसयूवी 300 हो गई, नेक्सॉन हो गई, निसान की आती है, बहुत सारी आती है। तो कस्टमर कौन सी गाड़ी लेना, आज पूरा जेन्युइन एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे भाई सुमित भैया तो वो नई गाड़ी प्लान कर रहे हैं। उन्होंने अभी नेक्सॉन मंगाई है टेस्ट ड्राइव के लिए, ये टेस्ट ड्राइव ली है एसयूवी 300 की। सो उनसे पूरा जेन्युइन रिव्यू लेंगे कि उन्हें कौन सी पसंद है, और वही पूरा बताएंगे कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। चलिए मिलवाते हैं सुमित भैया से, तो उन्हें सारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपके साथ। तो कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और बताइए क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग। तो सुमित भैया का जो बिजनेस है वो ट्रेडिंग का है। और सो आप अभी कौन सी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं और कौन कौन सी गाड़ी देख लिए हैं? एक्चुअली क्रेटा देख लिया था, क्रेटा फाइनल भी किया था, बट क्रेटा हमको अभी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका वेटिंग टाइम ज़्यादा है, 6 मंथ बोल रहे हैं। तो हमने क्रेटा को बुकिंग भी करा दिया था, लेकिन अब क्रेटा को हमने फिर मना कर दिया। अभी नेक्सॉन आ रही है ड्राइव के लिए। क्रेटा का भी आपने टेस्ट ड्राइव लिया था? हाँ, क्रेटा तो बेस्ट गाड़ी है। तो क्रेटा और जब ये एसयूवी 300 की आपने चलाया, तो दोनों में कौन बेस्ट लगी आपको? नहीं, क्रेटा तो अपने आप में बेस्ट है ही है, कोई कहो तो उसमें जब उतना पैसा लगा है तो जाहिर सी बात है हर चीज़ दमदार गाड़ी है, इंजन इसकी मजबूत है, हर चीज़ सेफ्टी वर्जन से मजबूत है हर चीज़। लेकिन अब क्रेटा क्रेटा है, ये भी अपनी जगह अच्छी है, जो एसयूवी 300 ये भी बहुत अच्छी है, ये भी अगर ये इसको भी नापसंद नहीं किया जा सकता, ये भी बहुत बेहतरीन गाड़ी है, जितने में अपने में लाजवाब गाड़ी ये भी है। अभी ये भी हम टेस्ट ड्राइव ले लिए, अभी हम नेक्सॉन उसी में दोनों का कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे आ चुकी है टाटा नेक्सॉन और ये एसयूवी 300, दोनों गाड़ियाँ हमारे सामने, ये दोनों ही पेट्रोल इंजन के साथ हैं। और एसयूवी 300 में आपको 108 bhp की पावर जनरेट करता है 200 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ, और वहीं पे नेक्सॉन में आपको 18 bhp पावर जनरेट करता है 160 टॉर्क के साथ। दोनों में आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है और दोनों ही 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है। क्या अंतर है, तो वो तो भैया सुमित भैया से ही पूछेंगे कि दोनों में उनको कौन सी गाड़ी अच्छी लगी है। तो चलते हैं इसके टेस्ट। सही है, मैं इसका इंटीरियर दिखाऊं तो कुछ ऐसा आपको इसमें इंटीरियर मिलता है। ये इसका टॉप वेरियंट है एंड यहाँ पर आपको इसमें सनरूफ भी मिल जाती है, तो पूरा ब्लैक इंटीरियर मिलता है टाटा नेक्सॉन के इस वाले वेरिएंट में XZ प्लस। तो इसको चलाते हैं और देखते हैं ज़्यादा बेटर है XUV 300 या फिर टाटा नेक्सॉन। सेफ्टी मिल जाएगी, उसमें जो म्यूजिक सिस्टम मिलेगा आपको हार्मन का मिलेगा, बाकी इसका ग्राउंड क्लियरेंस उससे ज्यादा 209 mm का है। इसमें आपको हार्मन गार्डन के स्पीकर्स मिल जाते हैं और उसका साउंड आप सुन सकते हैं। आपको ये चलाने में कैसी लग रही है गाड़ी? मस्त है ये भी, पूरी तो पूरा एकदम पूरा इसको जैसे चाहे जैसे अपनी उंगली से मचा दीजिए। कंट्रोलिंग में है, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। अगर आप 120 140 भी वो आराम से चली जाती है। हम
लोग आ गए हैं टेस्ट ड्राइव लेके, अब नेक्सॉन जा रही है किसी दूसरे कस्टमर के पास, उन्होंने भी टेस्ट ड्राइव के लिए मंगाया था तो इनको जल्दी है थोड़ा, तो ये लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्सॉन जा चुकी है। तो सुमित भैया, आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेटर लगी? बेहतरीन अगर सच पूछिए तो ये लगी मुझे महिंद्रा। एक्सूवी 300 चलाने में बहुत ही बेहतरीन, ईगो फ्रेंडली लगी है। अभी उसको भी मैंने ड्राइव किया, उसको भी ड्राइव किया, इसलिए कंपेयर करने के लिए मैंने बुलाया हुआ था दोनों गाड़ी को। और ये मुझे बेहतरीन लगी। अगर मुझे कोई अगर कहता है कि टाटा नेक्सॉन और एक्सूवी 300 में कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, तो मेरा ओपिनियन है एक्सूवी 300 ही बेस्ट गाड़ी है। रीज़न है कि अभी मैंने दोनों को टेस्ट ड्राइव दिया और पिकअप के मामले में, भगाने में, मामले में 80-90 में इसको भगा रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वही नेक्सॉन को भगा रहा हूँ तो उसमें इंजन की आवाज़ और जो है लग रहा है जैसे गाड़ी को हम बहुत तेज़ भगा रहे हैं। नेक्सॉन में ये फीलिंग आई। और मैं पीछे बैठा था तो मुझे कम्फर्ट वाइज अगर देखा जाए तो ज़्यादा स्पेसियस एक्सयूवी 300 लगती है। ये एक चीज़ ये भी है। और कंजेस्टेड नहीं है ओवरऑल, मतलब इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है। थोड़ा सा ये है कि थोड़ी ऊँची थोड़ी सी मुझे लगी है वो, थोड़ा सा वो क्या ऊंची साइड में है, थोड़ी सी गाड़ी में ऊंची है बैठने पे, ये सब चीज़ें उसके बैंड ब्रेक वगैरह थोड़ा ऊंची थी। और एक प्रॉब्लम उसमें और आप बता रहे थे कि गियर नॉब जो है इसका थोड़ा ज़्यादा फंस रहा था, और इसका ज़्यादा उसका जो है उसको काफ़ी हार्ड था गियर का जो था, और बड़ा स्मूथली है, स्मूथली है मेरे हिसाब से। इसे बेस्ट में इसी गाड़ी को शामिल कर रहा हूँ। को तो XUV 300 ही पसंद आई है। अब इनका पूरा प्लान बन गया है कि XUV 300 ही ये लेंगे। बाकी आप अगर चाहते तो आप भी टेस्ट ड्राइव लेके, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, वो अलग होता है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।